हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ सेटिंग को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब अपने हिसाब से हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं कस्टमाइज़। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नार्जो का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और डिस्प्ले एंड बटन पर जाना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ऑटो स्क्रीन ऑफ को यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि 30 सेकंड का है तो 15 सेकंड का, 1 मिनट, 2 मिनट का है, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो मैं 30 मिनट का लेता हूँ। आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मैं यूज़ बताया था। जैसे कि 15 सेकंड बाद या फिर 30 सेटिंग मारो, ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो उसके बारे में सेटिंग था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।